मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में यूजीसी के नियमों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। झुंझुनू में पहली बार कोई छात्र संगठन इस मामले में विरोध पर उतरा है। कांग्रेस के अग्रिम छात्र संगठन NSUI ने आज मोरारका कॉलेज के गेट पर सावन के सोमवार के दिन बारिश के बीच सद्बुद्धि यज्ञ किया। जिलाध्यक्ष अंकित जाखड़ तथा राहुल जाखड़ के नेतृत्व में किए गए यज्ञ में छात्र नेताओं ने आहुतियां दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को सद्बुद्धि देने के लिए आहुतियां दी गई। साथ ही चेताया गया कि कोरोना के समय में विद्यार्थियों की जान जोखिम में नहीं डाली जाएगी और केंद्र सरकार को हर हाल में अपना फैसला वापस लेना होगा। आपको बता दें कि SFI समेत अधिकतर छात्र संगठन अब तक इस मामले को लेकर झुंझुनू में चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि ABVP ने अपने स्तर पर मांग उठाई है। राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू के आगे MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल जी की सद्बुद्धि के लिए आज हमने यहाँ पे हवन किया है, ताकि हम भगवान से निवेदन करते हैं कि थोड़ी सद्बुद्धि दे। फिलहाल थोड़े दिन पहले प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया था, जो निर्णय ले लिया था सभी को पता था कि आज के दिन परीक्षाएं करवाना अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन फिर आगे से आदेश आते हैं कि फाइनल ईयर के समस्त छात्र छात्राओं की परीक्षाएं करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले लॉकडाउन किया था, तो फिर उस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा हुआ? आज के दिन हज़ारों की संख्या में हमारे देश में कोरोना विस्फोट है। कल अपने राजस्थान में भी 900 कुछ के समथिंग हमारे यहाँ पे वो आए, कोरोना पॉजिटिव आए थे। थोड़े परसों 30,000 के समथिंग हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव देश में आए थे, लेकिन पोखरियावाल जी आज भी समझ नहीं रहे हैं। हमारे छात्र छात्राओं भाई बहनों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि उनका मन में क्या स्थिति चल रही है, क्या नहीं चल रही, लेकिन आज के दिन हम ये जानते हैं कि कोरोना के इस काल में, इस महामारी के दौरान पूरा विश्व एक साथ होकर लड़ रहा है और यहाँ पर अपने देश में यहाँ पर परीक्षा करवाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि समस्त छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए बिना किसी शर्त के, जो भी छात्र छात्राएँ उनको प्रमोट करके अगली परीक्षा दिया जाए। आज झुंझुनू में MHRD मंत्री रमेश जी पोखरियावाल, जिन्होंने आज केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने आदेश फरमान जारी कर दिया, वहाँ से फतवा जारी किया है कि अंतिम वर्ष के बच्चों की एग्जाम होगी। ये एक तो पूरे विश्व में कोरोना का इतना जोर का झंझट चल रहा है, इतना बड़ा झंझट है, इसमें फिर भी रमेश जी पोखरियावाल ऊपर से आदेश जारी करते हैं कि थर्ड ईयर की एग्जाम करवाओ, ये एक विस्फोट हो जाएगा केंद्र के लिए। और वर्तमान राजस्थान की सरकार वो भी इससे परेशान है, बार बार राजस्थान सरकार उनसे निवेदन कर रही है, NSUI जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, पोखरियावाल जी क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को? आज हमने केंद्र सरकार और MHRD मंत्री रमेश जी पोखरियावाल को सद्बुद्धि आए, इसलिए तो यहाँ महाकाल का यज्ञ किया है, सावन का सोमवार, इसलिए शिव भगवान का यज्ञ किया उनको सद्बुद्धि देने के लिए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि उनको सद्बुद्धि दे और ये थर्ड ईयर की एग्ज़ाम, अंतिम वर्ष के दो बच्चों की एग्ज़ाम वो करवाना चाहते हैं, वो अपने इस फैसले पर अटल हुए बैठे हैं, वो हटें और बच्चों का हित देखें, बच्चों का भविष्य देखें, ना कि अपनी जिद को लेकर बैठे रहें। अगर अभी भी मंत्री महोदय हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, तो एक सड़कों पर NSUI का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है, लेकिन ये अंतिम वर्ष की एग्ज़ाम नहीं होने देंगे।